शेर महाराज शाही घोड़े पे सवार होकर जंगल में घूमने निकले। नदी के किनारे से गुजरते हुए शेर देखता है कि एक हिरण मरा पड़ा है। शेर हिरण के पास जाकर देखता है, लेकिन उसे किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं मिलते। शेर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस हिरण को किसने मारा है। शेर यही सोचता हुआ वहां से चला जाता है। आगे चलकर उसे एक हाथी मरा हुआ दिखाई देता है। अब शेर महाराज और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, जंगल के जानवरों को कौन मार रहा है। शेर अभी सोचता हुआ जा ही रहा था कि उसके पास से एक हेडलेस बहुत तेजी से गुजरा। शेर ने उसे पहले कभी जंगल में नहीं देखा था, इसलिए शेर उसके पीछे भाग पड़ा। शेर ने घोड़े से उतरकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, दौड़ते दौड़ते हेडलेस अचानक से गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। शेर महाराज अब और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपने जंगल पर मंडराते खतरे का आभास हो चुका था।